दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ। देखिए, जैसा आप सभी के नॉलेज में है, यहां पर एक वार्ड है जिसमें कि हर रोज हम उन लोगों को जिन्हें गिरफ्तार किया होता है, जो हाई कोर्ट के निर्देश हैं उनके अनुसार उनको यहाँ पर लाया जाता है, और उनको जब तक उनका कोविड का टेस्ट नहीं हो जाता है तब तक उनको हम यहाँ रखते हैं। टेस्ट के रिजल्ट आने के बाद में यदि वो निगेटिव होते हैं तो उन्हें जेल में ले जाया जाता है, और यदि वो पॉजिटिव आते हैं तो यहाँ पर एक अन्य वार्ड बनाया हुआ है जिसमें कि पॉजिटिव कैदी को हम रखते हैं। इससे ही एक व्यक्ति ने सुबह भागने का प्रयास किया, इनफैक्ट वो निकल करके बाहर भाग ही गया था, पर जवान ने उसको पीछा करके पकड़ लिया। मैं यहाँ पर इसलिए आया था कि हम इसमें क्या और व्यवस्था कर सकते हैं ताकि इसमें लोगों के निकलने की संभावनाएं कम की जा सके। जैसा कि आप जानते हैं कि ये कोई जेल नहीं है, इसको जेल की तरह नहीं बनाया गया, एक वार्ड है सिंपल जिसमें कि आम आदमी रुकते रहे हैं पहले। तो इसमें हम कुछ ऐसा सुरक्षा इंतजाम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोई भी व्यक्ति भागना चाहे तो उसे डिफ़िकल्टीज़ हों और वो आसानी से भाग नहीं सके। और जाप्ता लगातार रहता है, पर जाप्ता निश्चित रूप से हर तरफ हर समय नहीं रह सकता, तो हम कुछ सुरक्षा इंतजाम कर रहे हैं ताकि यहाँ पर व्यवस्था बेहतर की जा सके। सर, वो उसकी रिपोर्ट आ चुकी थी क्या, जो एडमिट था या आना बाकी थी? उसकी रिपोर्ट आना बाकी था, अब रिपोर्ट आ चुकी है जी, वो नेगेटिव है, वो जेल में जाएगा। किस आरोप में उसको पकड़ा है? कुछ नार्कोटिक्स के आरोप में उसे पकड़ा गया, अभी जो गेगल इलाके में जो जयपुर रोड पे पकड़े थे कुछ दिन पहले, उसी मामले में जी। ओके, मैं उसको बुलवा सकता हूँ।